आज मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप 10 स्टॉक मार्केट कोटेशंस विच आई एम नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय विच ओवर द इयर्स ओवर 11 इयर्स इन स्टॉक मार्केट्स मैं एक एक चीज समझा हूं. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 कोटेशंस जो आपको अपने पास हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, ये कोटेशन जो लाइफ लेसन देती है ना, शायद एक MBA भी ना दे पाए. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And today I'm going to tell you my top 10 favorite quotes. Kya hai? Quote number one, a stockbroker will only leave that much money with you so that you can pay his brokerage. Iska matlab ye hai dost, aur ye maine kaise experience kiya, let me tell you this. Mera ek friend tha Dhruv, theek hai? To ye baat hai 2013-14 ke around ki. To at that time I remember उसके दादाजी हैड नेम सम शेयर्स फॉर हिम. तो और वो शेयर्स थे अराउंड 5-6 लाख के शेयर वालों. उसने जहाँ डीमैट अकाउंट था उस ब्रोकर ने उसको कॉल किया. अब उस समय, आजकल आपको ब्रोकर कॉल नहीं करता, बट उस समय क्या होता था, उस समय देयर शुड बी अ डीलर. ठीक है, एक डीलर है, सपोज मैं डीलर हूँ, आप 5-6 लोग मेरे क्लाइंट्स हो. मेरा काम क्या है, आपको कॉल करता रहूँगा जब तक आप ट्रेड्स घुमाओगे नहीं. बिकॉज जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे मेरी ब्रोकरेज बनेगी नहीं. और अगर मैं डीलर हूँ ब्रोकरेज नहीं, तो मेरा बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं. उसके डीलर ने बोला कि सर ये खरीदो, अरे सर बेचो, अरे सर खरीदो, अरे सर बेचो, अरे सर ये क्या अपॉर्चुनिटी है ये, सर अभी क्या अभी चाहिए. इतना बेचारे को किया उस ब्रोकर ने, 5-6 लाख रुपए में से 1.5-2 लाख ब्रोकरेज निकलवाई थी. इफ यू ट्रस्ट योर ब्रोकर, अंडरस्टैंड दिस, योर ब्रोकर विल ओनली लीव दैट मच मनी विद यू कि आप उसकी ब्रोकरेज दे दो. तो प्लीज बी श्योर, आई एम नॉट सेइंग ब्रोकर्स आर बैड, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ यू विल गेट द सर्विस यू डिजर्व. इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू कंट्रोल योर डीमैट अकाउंट. एक एक चार्ज, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए आपके पास. बी श्योर टू चेक दैट वीडियो, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी. कोट नंबर टू, एन इकोनॉमिस्ट इज द मोस्ट यूजलेस पर्सन इन अ रूम. Why am I saying this? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, because no economist knows a thing. किसी economist को कुछ नहीं आता, because कोई economist future को predict कर ही नहीं सकता. हर economist बता सकता है कि ये past में क्यों हुआ, इसका क्या reason, तो कोई बता सकता है. एक building गिरी तो मैं क्या बोलूँगा, building क्यों गिरी, सरिया कम था, cement नहीं था, soil ठीक नहीं था. क्या मैं दसता हूँ कि कोई और building गिरेगी नहीं गिरेगी, नहीं. और economics study ही ऐसी है that इट्स जुगाड़. ये नहीं चला वो ट्राई किया, वो नहीं चला वो ट्राई किया, ये नहीं चला वो थ्योरी ट्राई कर दी, वो नहीं चला वो थ्योरी ट्राई कर दी. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि एज इकोनॉमिस्ट मैं आपको फ्यूचर बता दूं, बिकॉज नोबडी कैन डू दैट, ओनली गॉड कैन डू दैट. सो दिस कोट रियली, मतलब यू नो, उसने मुझे अलग लेवल पे ले गया कि जो बड़े बड़े शब्द है ना इकोनॉमिक्स के, इनसे डरता नहीं हूं मैं. अब पहले मैं बड़ा डर जाता था, अरे यार स्टिमुलस पैकेज क्या बोल दिया, एंड आई यूज़ टू गेट स्कैर्ड व्हाइल रीडिंग द इकोनॉमिक टाइम्स. अब नहीं डरता, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट. एंड रिमेंबर दिस, एंड इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट यूजलेस पर्सन इन रूम. अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन, आई एम ट्राइंग टू टेल यू द फैक्ट जो है. Quote number three, the world of stock markets is not for a pessimist. I'll tell you how. ये हुआ कि again all these quotes मैंने experience किया. Remember मेरे friend Arpit था. In 2011-2012 we were into stock markets together. तो हम दोनों एक साथ सीखते थे. तो Arpit ने बोला यार नहीं यार मैं अभी investing करूँगा, पहले मुझे कमाई दे, पहले ये करने दे, अभी ये market में ठीक नहीं है, अभी government का ही ठीक नहीं, अभी तो ये policy ठीक नहीं, अभी RBI ने ये ठीक नहीं किया. अरे यार interested क्या हो गया. उसके 50 reasons थे. मैंने invest कर दिया. अभी मेरी 6 महीने पहले Arpit से बात हुई थी, उसने अब invest करना शुरू किया है. मतलब पूरे 8-9 साल हुए वो अपने आप को रीजन ही दे रहा हूँ मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गए. इफ़ यू आर समवन जो पूरे टाइम एक यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर द परफेक्ट स्टार्ट, की परफेक्ट स्टार्ट चाहिए मुझे स्टॉक मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स आपके लिए नहीं है. टू गो टू वॉरेन बफेट, द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट्स इज नॉट फॉर पेसिमिस्ट. कोट नंबर फोर, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. स्टेटमेंट का मतलब ये कि मेरे दोस्त, जनता यहाँ पैसे नहीं कमा सकती. बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, जब दूसरे लोग बेच रहे हैं यू बाय. बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, जब दूसरे लोग खरीद रहे हैं, जब जनता खरीद रही है यू सेल. इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या होती है, दैट यू डू ऑपोजिट टू व्हाट द इन्वेस्टिंग इज. मैंने ना इस पर पूरा एक मेरी 4 घंटे की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का नाम है स्टॉक मार्केट नो नंबर गेम, जिसमें मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ. और ये पूरा कोटेशन आपको इन डेप्थ समझ में आएगा प्रॉपरली. लिंक उसका नीचे है, जाके रजिस्टर सेल्फ फॉर दैट प्रोग्राम, इट्स अ लाइव ट्रेनिंग, आई एम गोइंग टू मीट यू देयर. कोट नंबर 5, देयर आर 2 kinds ऑफ इन्वेस्टर्स, बी इट स्मॉल और बिग. 1, हु नो दैट दे डोंट नो अबाउट द मार्केट्स. 2, हु डोंट नो दैट दे डोंट नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ मार्केट्स. एंड देन देयर इज द थर्ड काइंड. दिस थर्ड काइंड इज द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हु नोज दैट ही डजंट नो, बट हिज लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन हिम अपीयरिंग टू नो. इसका मतलब इसको और थोड़ा ईजी कर देते हैं, ठीक है, बहुत ईजी खबर. और एक्चुअली स्टेटमेंट इतना ट्रू है. स्टेटमेंट ये है, मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं. एक,
जो नॉलेजेबल है उनको पता है कि दे के नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर. जैसे हर बार अपने वीडियो में देखो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या है, कुछ भी हो सकता है, और कोई भी नॉलेजेबल आदमी आपको यही बोलेगा. दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट्स में अभी अभी आए हैं एंड दे से मुझे पता है स्टॉक मार्केट किधर जाएगा, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि उनको कभी पता चल ही नहीं सकता कि मार्केट किधर जाएगा, वो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है. जैसे बहुत यंगस्टर आपको मिलेंगे होता है, आप खुद बोलोगे यार मुझे पता है मार्केट किधर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा दोस्त, आपकी एज में मैं भी ऐसी था. और थर्ड टाइप के लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, जो इन्वेस्टमेंट टिप्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं. दे नीड टू प्रिटेंड कि उनको सब आता है, जबकि उनको भी पता है कि उनको कुछ नहीं पता. दे नीड टू प्रिटेंड उनको सब आता है क्योंकि उनकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करती है. नोबडी नोज वेदर स्टॉक मार्केट इज हेडेड टू, एंड इफ यू फील कि आपको नहीं पता मार्केट हेड क्या, आप डर रहे हो, डरने की बात नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू आर सेंसिबल, बिकॉज इफ यू ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि मार्केट किधर जाएगा किधर, कोई नहीं दसता है. कोट नंबर सिक्स, व्हाट इज द कोट नंबर सिक्स? मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट. ठीक है, इरेशनैलिटी क्या होती है? इरेशनैलिटी पागलपन, जो रैशनल नहीं है. हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू अप्रोच स्टॉक मार्केट्स विद लॉजिक. ठीक है, जैसे आप अभी देख लो, अभी व्हाट लॉजिक कैन यू गिव मी दैट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मार्केट्स आर डूइंग सो वेल एंड इकोनॉमी इज फिनिश्ड, द पॉलिटिकल सटायर सिस्टम इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इज इन क्वेश्चन राइट नाउ, कि आई डोंट नो इफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल कम बैक अगेन और नॉट. देन द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन कंप्लीट क्राइसिस, बिजनेसेस स्मॉल स्केल बिजनेस आर प्रॉब्लमैटिक, फर्स्ट टाइम सिंस 1990 मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड, वेयर इन इंडिया 3 crore पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास हैज कम टू बिलो पॉवर्टी लाइन, बट स्टिल मार्केट्स आर डूइंग वेल. तो मार्केट्स में रैशनल लगाना को छोड़ दो, द मार्केट्स विल रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन वी कैन रिमेन सॉल्वेंट. मार्केट सब तक रैशनल आएंगे, उससे ज्यादा, उससे पहले हम ही बैंकरप्ट होकर खत्म हो जाएंगे. कोट नंबर 7, द फोर मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग, दिस टाइम इट्स डिफरेंट. दिस वर्ड्स आर ऑफ सर जॉन टेम्पलटन, एंड टू कोट आइंस्टाइन, यू नो इनसैनिटी इज व्हेन यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन 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 एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स. और स्टॉक मार्केट में सब वही चीज दोबारा दोबारा करें एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स. आई टेल यू हाउ, इन द हर्षद मेहता सिचुएशन व्हेन द मार्केट्स वर एट रिडिकुलस लेवल्स, पीपल वर इन्वेस्टिंग, 20 साल बाद हम उनको देख के बोलते हैं अरे अरे व्हाई डिड यू इन्वेस्ट, उनको नहीं करना चाहिए, बेवकूफी हो गई. तो अभी एट दीज लेवल्स टेल मी वन फंडामेंटल रीजनिंग दैट द मार्केट्स आर जस्टिफाइड टू बी एट दिस प्राइस, बट तभी भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस मोर डीपली, स्टॉक मार्केट दोनों नंबर गेम, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी क्यों हो रहा है. जो अनपढ़ उसके साथ भी हो रहा है और जो पढ़ा लिखा उसके साथ भी वो गड़बड़ हो रही है, साइकोलॉजी रीजन दोस्त. नो नंबर गेम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आओ 100% आओ, इट विल कंप्लीटली ब्लो योर माइंड. कोट नंबर 8, एवरीवन हैज अ ब्रेन पावर टू बी इन स्टॉक मार्केट्स, इफ यू हैव क्रैक्ड 5th क्लास मैथ्स एग्जाम यू कैन डू इट. Why did Peter Lynch say this? Because Peter Lynch ne actually it fifth graders ka ek portfolio banaya tha investment. Unse bola give me the list of 20 stocks. Wo logon ne ikhatta kar diya and that portfolio outperformed several other portfolios. I sometimes demotivate hota hu yaar main to college bhi nahi gaya main kaise karunga. Nahi. इस कोर्ट ने भी दुनिया चाहिए, आई हैव एक्सपीरियंस दिस कोर्ट. जो पढ़े लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो बहुत जल्दी आउट हो गए. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम, आई एम सेइंग रियलिटी क्या. कोर्ट नंबर 9, स्टॉक्स आर बॉट ऑन एक्सपेक्टेशंस नॉट फैक्ट्स. जिससे बड़ी रियलिटी कुछ है ही नहीं. ठीक है, अभी टाटा मोटर्स क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड टू डू वेल. व्हाट अबाउट टाटा स्टील? एक्सपेक्टेड टू डू वेल. येस बैंक? एक्सपेक्टेड टू डू वेल. स्टॉक्स आर ओनली बॉट एंड सोल्ड ऑन एक्सपेक्टेशन नॉट फैक्ट्स. दैट इज वाई द स्टॉक मार्केट रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन वी कैन रिमेन सॉल्वेंट. ये सबसे पहली चीज है. तो इफ यू आर समवन हूज, जो मैं करता था पहले, कि आई ओनली यूज इन्वेस्ट इन फैक्ट्स. अच्छा ये फैक्ट आया तब इन्वेस्ट करूंगा, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तब इन्वेस्ट करूंगा, PNL का ये प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया तब इन्वेस्ट करूंगा. भाई साहब स्टॉक मार्केट्स में ना सिर्फ एक्सपेक्टेशन में गेम चलता है. आई डोंट इफ यू रिमेंबर 2014 में व्हेन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम, मार्केट्स शॉट अप इवन बिफोर द इलेक्शन. एग्जिट पोल्स में ही मार्केट शॉट अप. क्यों? दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल कम विद अ मेजोरिटी, एंड एनी गवर्नमेंट हु कम्स विद अ मेजोरिटी स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छी चीज है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस समय एक्शन ले पाएगी, FIIs का ट्रस्ट आता है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर स्टॉक मार्केट पैसे डालते हैं. एंड द फाइनल कोट, मार्केट्स मूव रीजंस फॉलो. अब आप देखोगे जो मैंने रिलाइज किया, इकोनॉमी में ना हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होता है. जब मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं तो लोग से पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, जब मार्केट नीचे आ रहे हैं तो लोग सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं. आई गिव यू एग्जांपल 2014 इटसेल्फ. उस समय क्या था, आई रिमेंबर पिक्स का क्राइसिस था. व्हाट आर पिक्स? पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, स्पेन, यूरोप इनका फुल ऑन क्राइसिस था. ग्रीस में तो 2-3 बैंक्स हैड फेल्ड एंड यू कैन यू नो बैंक इकोनॉमी का नर्वस सिस्टम है. एक भी नर्वस सिस्टम का पार्ट फेल तो पूरी नर्वस सिस्टम में फर्क पड़ता है. सेम सिचुएशन वो हैपनिंग ग्रीस. उस समय मार्केट्स वो फॉलोइंग तो था यार, ऑब्वियसली यूरोपियन क्राइसिस है, ये देखो लोगों ने क्या बोला इकोनॉमी से कि यूरोपियन क्राइसिस का देखो, ये देखो मार्केट तो गिरना ही है. और जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, मार्केट सच एन ऑल टाइम हाई 2014. एज सून एज ही वाज इलेक्टेड वाज एवरीथिंग चेंज्ड? नहीं, वो तो होना था, वो तो फ्यूचर में होगा. तो लोगों ने क्या बोला,
अरे अब तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कब ये है वो है, तो क्या वो यूरो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी? नहीं, वो थी बैकग्राउंड में, बट नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. मार्केट्स मूव, रीजंस फॉलो. अभी भी आप देखोगे व्हेन द मार्केट्स गो अप गो वेल, अरे इंडिया की इकॉनमी देखो, इंडिया की एज देखो, ये देखो वो देखो, और जब ही मार्केट्स नीचे आएंगे, लुक एट द कोविड सिचुएशन, लुक एट द थिंग, लुक एट द पॉलिटिकल अनरेस्ट, मार्केट्स मूव, रीजंस फॉलो. मुझे आप 5 मिनट दोगे ना, 5 मिनट में मैं आपको मार्केट्स के लिए पेसिमिस्ट भी रास्ता हूँ न्यूज़ के साथ, और 5 मिनट में आपको ऑप्टिमिस्ट भी रास्ता हूँ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ दोनों ही होती है. दीज आर द माई टॉप 10 कोट्स, एंड ये कोट्स ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको अपनी दीवार में चिपकानी चाहिए. इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ ये पूरा पोस्टर. इस पोस्टर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करो, प्रिंट इट आउट, एंड ट्रस्ट मी, चिपका लो अपनी दीवार में. यू विल डू अ फेवर टू योर सेल्फ. 11 साल हो गए मार्केट्स में. ये कोट्स वो नहीं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, ये कोट्स वो हैं जो मेरे अंदर घुस गए हैं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस देम एंड दे हैव चेंज्ड माय लाइफ. वेल, दैट वाज इट फॉर टुडे. दिस वाज फन वीडियो जो कोटेशन में थी, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव कोटेशन. इफ यू हैव एनी अदर इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर वीडियो टॉपिक्स, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ. इफ यू हैव एनी अदर जो कोट, या कि हर्ष यार मेरा कोट तो फेवरेट ही है, तो दोस्त नीचे कमेंट करके बताओ, मुझे भी पढ़ना है आपका कोट क्या है. वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपके लिए लाइक शायद एक क्लिक है, बट यू हैव नो आइडिया हाउ मच दैट लाइक एंड सब्सक्राइब मीन्स टू मी एंड माई टीम. ठीक है, इट रियली मोटिवेट्स द हेल आउट ऑफ अस, सो आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट दैट. टिल देन, गिव माय रिगार्ड्स टू एल्डर्स, लव टू योर यंग वंस. दिस इज हर्ष गोयला फ्रॉम गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरमेंट.